हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 को क्लासिक 350 के साथ। तो डिटेल में कंपेयर करेंगे इन दोनों बाइकों को, कौन सी बाइक बेस्ट है, क्या इन दोनों बाइकों की प्राइस चल रहा है फिलहाल, कितना प्राइस डिफरेंस है, क्यों आपको बुलेट लेनी चाहिए, क्यों आपको क्लासिक लेनी चाहिए, इन दोनों में से कौन सी आपके लिए बेस्ट है, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो देख लो, ये आपकी है बुलेट 350, यहाँ पे लिखा गया बुलेट 350 जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और ये रियर में रॉयल इनफील्ड यहाँ पे लिखा गया है, सिंगल सीट, काफ़ी कंफर्टेबल और बिल्कुल लेटेस्ट बाइक हैं दोनों ही जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये बुलेट 350 आपकी दोनों ही टॉप से नीचे वाले वेरिएंट हैं, और ये आ गई आपकी क्लासिक 350 जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया क्लासिक 350, यहाँ पे रॉयल इनफील्ड कुछ इस तरह से लिखा गया है। ये इसके कुछ कंट्रोल एंड मीटर वगैरह आप लोग देख लीजिए, और ड्यूल सीट आती है इसके अंदर, स्प्लिट सीट के साथ आती है ऐसे हम कह सकते हैं। तो इन दोनों ही बाइकों को डिटेल में कंपेयर करेंगे भाई, क्या कुछ इनके अंदर है और कौन सी आपके लिए बेस्ट है। तो पहले तो देख लो भाई दोनों बाइकों को बढ़िया से, थोड़ा लाइटिंग का इशू है क्योंकि एक ही तरफ लाइट ढंग से आती है भाई, एक तरफ आती नहीं है कितनी कोशिश कर लो, और शोरूम में थोड़ा स्पेस भी कम ही है, लेकिन मैं फिर भी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, कुछ भी मिस नहीं करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बिल्कुल डिटेल कंपैरिजन हो जाएगा ये आपकी रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 एंड क्लासिक 350 का। तो टॉप से नीचे वाले वेरिएंट हैं ये, एक आपका स्टैंडर्ड मैरून और दूसरा आता है आपका डार्क सीरीज के अंडर जो कि है आपका गन मेटल ग्रे, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है इसमें भी एक ब्लैक कलर आता है, एक मरून कलर आता है जो आप लोग देख पा रहे हैं। ये लोगो जो आप देख पा रहे हैं भाई, शानदार लुक्स के साथ ही लोगो आपको देखने को मिलता है रॉयल इनफील्ड का, जो आपको कहीं ना कहीं ओल्ड बुलेट या सीआई बुलेट की याद दिलाएगा। नेक्स्ट जनरेशन बुलेट है, बिल्कुल अपडेट कर दी गई है, कुछ भी इसमें पुरानी जैसी बुलेट वाला नहीं है, बिल्कुल नई बाइक है ये, हर चीज़ इसके अंदर बिल्कुल अपडेटेड आपको मिलती है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पे देख लो रॉयल इनफील्ड लिखा गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बुलेट 350 लिखा गया है, स्पोक व्हील्स के साथ ट्रेडिशनल रेट्रो लुक बिल्कुल मेंटेन करने की कोशिश की गई है इस बाइक के अंदर, कहीं से भी आपको भाई मिस नहीं मिलेगा कि रेट्रो लुक कहीं ना कहीं मिस कर दी है कंपनी ने। टैंक के ऊपर ये हैंड पेंटेड लाइन गोल्ड कलर की, सब कुछ आपको जो है भाई देखने को मिलता है। क्रोम का अच्छा खासा यूज़ दिया गया है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बढ़िया से इसका क्रोम में यूटिलाइज़ किया गया है, और ट्रेडिशनल आपको जो है भाई इस बाइक के अंदर स्पोक व्हील्स भी देखने को मिलते हैं जिससे रियल बुलेट वाली आपको जो है फील आएगी। बाइक काफ़ी बढ़िया है, 350 सीसी का आपको इस बाइक के अंदर इंजन मिलता है, रॉयल इनफील्ड का बिल्कुल लेटेस्ट जे सीरीज का इंजन जो कि सभी बाइक्स के अंदर आ रहा है लगभग रॉयल इनफील्ड की, और ये आपकी क्लासिक 350 डार्क सीरीज के अंदर जो आती है जो कि आपकी गन मेटल ग्रे, काफ़ी मॉडर्न बुलेट आप इसको कह सकते हो कहीं ना कहीं, तो ये मॉडर्न बुलेट लगती है। इसके अंदर आप देख रहे हैं अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और मैट ब्लैक का टच मिलता है, क्रोम यहाँ पे बिल्कुल नहीं है कहीं पे भी, तो क्रोम हटा दिया गया है बिल्कुल ही, और मैट ब्लैक आपको हर जगह देखने को मिलेगा। अलॉय व्हील्स मिलते हैं, ठीक है, स्प्लिट सीट मिलती है, उसके अंदर आपको सिंगल सीट मिलती है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये मॉडर्न बुलेट लगती है। बाकी यहाँ पे स्विचेस वगैरह जो हैं, मीटर वगैरह जो है, ये आप बिल्कुल आपको सेम ही मिलता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों बाइकों में। देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा लाइट का इशू है, अदरवाइज बिल्कुल सेम है दोनों बाइकों के अंदर मीटर कंसोल वगैरह, जैसा क्लासिक के अंदर आपको दिख रहा है, सेमी डिजिटल मीटर कंसोल है ये। इसके अंदर आपको फ्यूल मीटर मिलता है, अब ट्रिप मीटर मिलता है, टाइम मिलता है, जरूरत की सभी चीज़ें छोटी सी एमआईडी में आपको देखने को मिलती हैं, और ट्रिपल नेविगेशन भी आप एज एन एसेसरी के तौर पर इस बाइक के अंदर लगवा सकते हो। और सेम इसी तरह का जो है आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं छोटी सी एमआईडी के साथ, इसमें भी आपको फ्यूल मीटर, ट्रिप मीटर, टाइम सब कुछ मिलता है, और यूएसबी चार्जिंग दोनों ही बाइकों में आपको देखने को मिलेगी। दोनों ही बाइकों में आप ट्रिपल नेविगेशन इंस्टॉल करवा सकते हो, दोनों ही बाइक के आपको E20 तक का फ्यूल सपोर्ट करती हुई मिलेंगी, तो दोनों ही बाइक के बिल्कुल अपडेटेड हैं। बात करें प्राइस की, तो क्लासिक 350 जो है वो आपको 2,55,000 रुपये की पड़ती है ऑन रोड दिल्ली में, और बुलेट 350 आपको 2,30,000 रुपये में पड़ती है ऑन रोड दिल्ली में विदाउट एनी एसेसरी। प्राइस है ये 2,55,000 रुपीज फॉर क्लासिक 350 एंड 2,30,000 रुपीज फॉर बुलेट 350 विदाउट एनी एसेसरीज, ओके। और ये टॉप से नीचे वाले वेरिएंट के प्राइस हैं, ठीक है, क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे का मैंने प्राइस बताया, और बुलेट 350 स्टैंडर्ड मरून का मैंने आपको प्राइस बताया। बाकी दोनों बाइकों के अंदर आपको सेम 350 सीसी का बिल्कुल लेटेस्ट रॉयल इनफील्ड का J1 सीरीज का इंजन देखने को मिलता है, जो कि लगभग सभी 350 सीसी बाइक्स के अंदर ये इंजन आ रहा है रॉयल इनफील्ड का। ये इंजन आपको 20.2 bhp की पावर निकाल के देता है 27 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ। दोनों बाइकों के अंदर आपको किक नहीं मिलती है, किक हटा दी गई है क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी दोनों ही बाइकों के अंदर रॉयल इनफील्ड यूज़ कर रहा है, तो इन दोनों ही बाइकों में जो है भाई किक की कोई नीड है नहीं, फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी में किक का कोई रोल नहीं होता है। बाकी 35 तक का माइलेज आराम से बाइक आपको निकाल के दे देंगी अगर आप इनको बढ़िया से राइड करते हो तो, और माइलेज काफ़ी बढ़िया है,
दोनों ही बाइकों की टॉप स्पीड लगभग आपको जो है भाई 120 की मिलेगी, 120 से ज़्यादा दोनों में से कोई बाइक नहीं भागती है। दोनों ही बाइकों में आपको 5 गियर मिलते हैं, 1 डाउन 4 अपवर्ड आपको जो सिस्टम देखने को मिलता है। 13 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दोनों ही बाइकों के अंदर आपको देखने को मिलता है, लगभग 2 लीटर की रिजर्व कैपेसिटी के साथ, यानी कि एक बार टैंक फुल कराने के बाद 35 तक का माइलेज मिलता है। तो 500 किलोमीटर के आसपास की रेंज आप आराम से अचीव कर सकते हो, ठीक है। और सस्पेंशन भी दोनों बाइकों में आपको शानदार मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं फ्रंट में 41mm फ्रॉक्स 130mm ट्रेवल के साथ। और रियर में जो सस्पेंशन है आपको ट्विन ट्यूब एमिशन चोकअप जरूर 6 स्टेप एडजस्टेबल लोडेड के साथ देखने को मिलते हैं। तो पीछे वाला और आगे वाला सस्पेंशन सिस्टम आपको शानदार मिलता है। दोनों ही बाइक का जो कंफर्ट लेवल है वो नेक्स्ट लेवल है भाई। बाकी मेरे अकॉर्डिंग बुलेट मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है क्लासिक के मुकाबले, क्योंकि कुछ तो इसमें स्पोक व्हील्स आते हैं तो उनसे भी कंफर्ट जो है वह बढ़ता है। दोनों ही बाइकों के अंदर आपको ड्यूल चैनल ABS देखने को मिलता है, चाहे आप बुलेट से लगा लो चाहे क्लासिक से लगा लो, दोनों में आपको ड्यूल चैनल ABS मिलेगा। दोनों में आपको आगे और पीछे डिस्क ब्रेक मिलते हैं, फ्रंट में जो है 300mm की डिस्क ब्रेक मिलती है दोनों बाइकों में, और रियर में जो है 217mm की आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, ठीक है। बस ये है कि बुलेट में आपको जो भाई स्पोक व्हील्स मिलते हैं और क्लासिक 50 में जो है आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, और इस वजह से जो भाई बुलेट में आपको ट्यूब टाइप टायर मिलेंगे और क्लासिक में आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं कंपनी फिटेड ही। तो ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज होता है आपको क्लासिक 50 लेने का। बाकी दोनों ही बाइकों में जो है फ्रंट व्हील भाई 19 इंच का आता है और रियर व्हील आपको 18 इंच का देखने को मिलता है। दोनों बाइकों में टायर साइज की बात करें तो फ्रंट वाला 190/19 का मिलता है और पीछे वाला 120/18 का सेम साइज़ का टायर मिलता है दोनों बाइकों में। बस बुलेट में ट्यूब टाइप मिलता है और क्लासिक में ट्यूबलेस मिलता है आपको, ठीक है ना। बाकी वेट की बात करें तो दोनों बाइकों में लगभग 190-195 किलो के आसपास वेट है, और सीट हाइट की बात करें सेम है 805mm की। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 170mm की आपको मिलती है दोनों बाइकों में सेम, और लंबाई की अगर हम बात करें तो 2145mm की आपको दोनों बाइकों में लंबाई मिलती है, 785mm की आपको दोनों बाइकों में चौड़ाई मिलती है, 1090mm के आसपास दोनों बाइकों की हाइट है, 1390mm के आसपास दोनों बाइकों का व्हील बेस है। ड्यूल लोड दोनों बाइकों के अंदर ही चेसिस मिलती है, जिसको ट्विन डाउन स्पिन फ्रेम चेसिस बोलती है रॉयल इनफील्ड। ये काफ़ी शानदार और अपडेटेड चेसिस है, जिसकी वजह से बाइक के अंदर वाइब्रेशंस ना के बराबर है। वैसे भी इंजन काफ़ी रिफाइन है, तो दोनों ही बाइकों में भाई आपको वाइब्रेशंस वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। दोनों ही बाइकों में आपको 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हो 2-5 ईयर्स के लिए। दोनों ही बाइकों को आपको साथ आपको कंप्लीमेंट्री जो है भाई हेलमेट मिलता है जब आप लेते हो फ्री में, और 4 सर्विस फ्री मिलती है कंपनी एंड से। बाकी अगर आपको एक मॉडर्न बाइक चाहिए और बिल्कुल मतलब ट्यूबलेस टायर के साथ थोड़ी सी अलग दिखने के लिए, तो आप क्लासिक 50 ले सकते हो। अगर आपको रेट्रो बुलेट चाहिए, रेट्रो लुकिंग बाइक चाहिए, तो डेफिनेटली आपको बुलेट के लिए जाना पड़ेगा। बाकी दोनों ही बाइकें बढ़िया हैं, दोनों ही बाइकों की बिल्ड क्वालिटी शानदार है, दोनों ही बाइकों की रीसेल वैल्यू टॉप नॉच है भाई, ठीक है। और दोनों ही बाइकों को भाई किसी भी एज ग्रुप का पर्सन चला सकता है, और दोनों ही बाइकों की मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, बस प्राइस का डिफरेंस है 25,000 रुपये। उसमें भाई क्लासिक 50 को जस्टिफाई भी करती है, आपको जो है भाई हेडलाइट कैप मिलती है, ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, कंपनी फिटेड अलॉय मिलते हैं, स्प्लिट सीट मिलती है, टैंक पैड मिलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन भाई ये करती हैं मैटर। तो बस यही था हमारा ओवरऑल डिटेल कंपैरिजन आपकी रॉयल इनफील्ड बुलेट 50 एंड क्लासिक 50 का। डिटेल मैंने दोनों बाइकें टॉप से नीचे वाले वेरियंट कंपेयर कर दिए हैं। आज वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।